Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self अध्ययन पर आज की MS DOS की एडवांस क्लासेस में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कमांड्स के थ्रू यूजर्स को बनाते हैं, यूजर्स का पासवर्ड चेंज करते हैं, यूजर्स का पासवर्ड अगर आपको डिलीट करना है या कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन करनी है यूज़र के अंदर, एडमिन राइट देना है यूज़र को, या आपको यूज़र्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको हिडन जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसको शो करना है या शो एडमिनिस्ट्रेटर को डिजेबल करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो ये PDF आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं selfadhyan.in पर, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं अपनी कमांड्स प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले आपको डोस जो खोलना होगा उसके लिए आपको एडमिन राइट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्क तभी करेंगी जब आपको एडमिन राइट होगा। तो राइट क्लिक करते हुए कमांड्स प्रॉम्प्ट पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है और यस प्रेस करते हुए इसे पास करा देना है। अब हम यहाँ पर CD बैकस्पेस से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूजर्स अगर बनाते हैं तो वो कहाँ पर शो होंगे। आप मैनेज अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी एक मनोज नाम का एडमिन है और एक गेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि अभी ऑफ है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डोस में यूजर्स कैसे बनाएं। तो यहाँ पर एक यूज़र हम बनाते हैं और उसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर नेट यूज़र। अगर आप नेट यूज़र करके ही एंटर कर देते हैं तो आपको जितने भी एक्टिवेट यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा, और आपको नया बनाना है तो नेट यूज़र के बाद जिस नाम का भी आपको यूज़र बनाना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं एक इंडिया नाम का यूज़र बना देता हूँ और उसको ऐड करा देता है, तो स्लैश आपको ऐड जरूर कराना है। फॉरवर्ड स्लैश का आपको इस्तेमाल करना है। दो तरीके के स्लैश हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड स्लैश का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका यूज़र बन चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें मैनेज अकाउंट पर दोबारा जाकर बैक जाने के बाद, तो आप देख सकते हैं इंडिया नाम का एक स्टैंडर्ड यूज़र बन चुका है। स्टैंडर्ड यूज़र क्योंकि इसको अभी एडमिन राइट नहीं मिले हैं, एक लोकल यूज़र हमने बना दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने यूज़र्स चाहें वो बना सकते हैं और उनको ऐड करा सकते हैं। अभी अगर हमने जो यूज़र बनाया है उस पर कोई पासवर्ड अभी हमने नहीं डाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पासवर्ड के साथ यूज़र बनाना है, तो आपको क्या करना है नेट यूज़र, आप वर्ड नाम का एक यहाँ पर यूज़र बनाना चाहते हैं जिसका पास आप दे देते हैं 123 एंड देन आपको फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका यूज़र बन चुका है वर्ड नाम का और उस पर पासवर्ड भी लग चुका है। तो दो तरीके से आप यहाँ पर यूज़र बना सकते हैं, विदाउट पासवर्ड या पासवर्ड के साथ। अगर आपको जिस पे पासवर्ड नहीं लगाया उस पर पासवर्ड लगाना है तो सीधे आपको जाना है नेट यूज़र, उसके बाद उस यूज़र का नाम लिखते हुए उस पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपको मैसेज आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मींस कि आपका जो यूज़र था बना हुआ उस पर पासवर्ड लग चुका है। तो पासवर्ड के साथ लगा सकते हैं यूज़र्स, या पासवर्ड आपने नहीं लगाया है तो उसे बाद में भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड का यहाँ पर 123 हमने अभी पासवर्ड दिया था और मुझे उसको पासवर्ड को बदलना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, नेट यूज़र वर्ल्ड उसके बाद 321। तो इतना इजी है कमांड्स के थ्रू हमें यूज़र्स हैं उनको मॉडिफाई करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हम ये काम कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और कमांड्स के थ्रू हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो आज की क्लास में आपने देखा यूज़र्स कैसे बनाते हैं, अभी और भी चीज़ें इसके अंदर सीखते हैं कि हम एडमिन राइट किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हमें जो हमारा यूज़र है उसको एडमिन राइट देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेट लोकल ग्रुप, क्योंकि हमारा लोकल ग्रुप का जो मेंबर है उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटर राइट देना है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको लिखना है यहाँ पर लास्ट में एस का इस्तेमाल जरूर करना है, एंड देन आपको जिस भी यूज़र्स को आप स्टैंडर्ड यूज़र को
जो भी एडमिन राइट देना चाहें उस यूज़र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और पासवर्ड बाद में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि एडमिन राइट को ऐड नहीं कराया है। तो आपको क्या करना है, नेट लोकल ग्रुप लिखते हुए और उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपको लिखना है, देन आपको उस यूज़र का नाम डालते हुए फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए ऐड लिख देना है। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे द कमांड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो यूज़र्स पे आके अभी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड यूज़र है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ है, आपको फिर से जाना है और आप देख सकते हैं कि जो इंडिया नाम का यूज़र था इसको एडमिन राइट ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कमांड्स के थ्रू किसी भी यूज़र को एडमिन राइट दे सकते हैं। अगर आपको किसी का एडमिन राइट हटाना है तो आपको सेम कमांड लिखते हुए लास्ट में डेल का इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपने एडमिन राइट दिया है वो फिर वापस रीसेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं द कमांड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। मैनेज अकाउंट पे आपको फिर से जाना है और आप देख सकते हैं इंडिया जो यूज़र था, जो एडमिन राइट था, वो वापस स्टैंडर्ड यूज़र में बदल चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूज़र को एडमिन राइट दे सकते हैं या एडमिन राइट हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिडन जो एडमिन होता है उसको कैसे एक्टिवेट करें, क्योंकि जब भी हम विंडोज़ डालते हैं तो हम वहाँ पर एक यूज़र बनाते हैं और वही यूज़र हमें वहाँ पर शो होता है। एडमिन एक्चुअल में हाइड होता है, तो उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे उसे खोलेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कमांड्स है नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हमें एक्टिवेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव यस लिखना है। तो हम यहाँ पर उस कमांड को लगा देते हैं नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर्स और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव कॉलन यस प्रेस करना है और नेट आप देख सकते हैं आपका कमांड कंप्लीटेड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ से आपको वापस मैनेज पे जाना होगा और ये देखिए हमारा एडमिन यहाँ पर जो हिडन था वो अब दिख चुका है। इसको हमें वापस अगर डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमें सेम यूज़र कमांड लगानी होगी और लास्ट में लिख देना होगा एक्टिवेट नो। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो एडमिन है उसको हम यहाँ से डिजेबल या इनेबल करा सकते हैं। तो आज की आपने CMD की क्लास में देखा कि यूज़र्स को पासवर्ड लगाना, हटाना, यूज़र्स बनाना, यूज़र्स हटाना, यूज़र्स के बारे में एडमिन राइट उसको लगाना, ये सभी चीज़ें आपने आज के दिन क्लास में सीखी। और भी हम अगर देखना चाहें तो एक कमांड और है नेट यूज़र और उसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं इंडिया, तो यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, पूरी स्टैट उसकी दिखा देगा कि यूज़र्स कब बना है, लास्ट उसका पासवर्ड आपने कब सेट करा था। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़र्स के बारे में चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आज की क्लास में आपको कमांड्स क्लियर हुई होंगी। आपका कोई भी अगर क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ।